बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि मैं इतनी जल्दी बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि सिर्फ आई थिंक एक महीना हुआ था, जो कि मतलब चार वीक हुए थे सिर्फ। और मेरे अलावा आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस घर में कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मैं एविक्ट हो गया हूँ तो डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर है। कौन है वो लोग जो घर में कुछ नहीं करे? बिकॉज इससे पहले भी कंटेस्टेंट्स आए थे, उन्होंने भी कहा कि कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे लेकिन फिर भी। हाँ, जैसे मैं आंसर दे रहा हूँ, जैसे जैसे बग्गा जी हैं, बग्गा जी फुल ऑन रेस्ट मोड पे हैं। और उसके बाद एलिस है, एलिस जो है वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पर्सन को डिफेंड करना उनका जैसे घर में काम होता है वही रह गया है, और वो अपनी फ्रेंडशिप के एक शेल में बंध के रह गई हैं। तो अभी 2 दिन पहले शायद उन्होंने सबके पास जाके बात करना शुरू किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका घर में कुछ भी मतलब इतना कोई सहयोग नहीं है कि वो घर में दे रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक इंसान को डिफेंड करना। तो ऑब्वियसली वो डिजर्व करता है। शहजाद घर के अंदर यू नो आपकी बॉन्डिंग नायरा के साथ देखी गई, काफी क्यूट केमिस्ट्री लगी, बाहर हैशटैग भी बन रहे थे, तो क्या ये सिर्फ यू नो ऑन शो के लिए था या फिर बाहर भी वो दोस्ती या फिर दोस्ती से कुछ बढ़कर है, क्या इस पे एक्सप्लेन करना चाहिए? नहीं, मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगा कि ये सिर्फ दोस्ती है और बहुत अच्छी दोस्ती है, दोस्ती से बढ़कर कतई भी कुछ नहीं है और ना ही कभी होने वाला है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा शो, तो शो में अगर मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम हुई और किसी चीज़ की वजह से मेरा राड़ा हुआ है किसी के साथ, तो वो इसी चीज़ की वजह से हुआ है कि बिना बात का बिल मत फाड़ो यार मेरे पे, ऐसा कुछ है नहीं है। बेवजह किसी की पर्सनल लाइफ इस चीज़ की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है, तो मेरे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, रिश्तों को बहुत कॉन्शियसली लेता हूँ मैं। तो मेरा और नायरा का बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत देर बाद दोस्ती बनी है, और मैं दोस्त बनाने में बहुत टाइम लगाता हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं नहीं है, तो अगर दोस्ती बनी है तो ऑब्वियसली मैं जिंदगी भर नहीं पाऊँ। सर जाना, जहाँ तक ऑडियंस की बात करें तो जिस तरीके से आपका ग्रैंड वेलकम हुआ था स्टेज पे सलमान सर के सामने, ऐसा लगा कि बहुत कुछ फटेगा अंदर जाके, बट आपने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बाहर भी दिखाई दे रहे हैं। बट मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया अपनी जर्नी अकॉर्डिंग टू ये रिश्ता क्या कहलाता है, बट आपने वैसा कुछ घर में नहीं बताया यू नो, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जहां आपने एक तरफा बातें बताई अपने बारे में, वहीं सब कहीं ना कहीं जानना चाहते थे, इवन राजन शाही, इवन आपके बारे में क्या कुछ हुआ। मैं आप सब लोगों से सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी सिर्फ वो शो नहीं रह गया कि मैं उस शो को अपने गले में डाल के हार की तरह घूमता रहूं कि हाँ ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ। विक्टिम कार्ड प्ले करना शहजादा धामी का स्टाइल नहीं है, और मैं किसी से डरता नहीं हूँ, वीक नहीं हूँ, कमजोर इंसान नहीं हूँ मैं। अगर आप कहते हो कि मैं वो बोरा सर पे ढोके और सबको अपना गुणगान गाऊंगा कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, देखो ना यार मेरे पे तरस खाओ ना यार ये करो, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं करने वाला हूँ। अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं शो के अंदर जाके भी मैं ये सब चीज़ें बोलने वाला हूँ, तो सॉरी गाइज, ये सब चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा, अब ख़त्म हो चुकी हैं, पास्ट है। पास्ट में जो इंसान रहता है उसका प्रेजेंट खुद ख़राब हो जाता है, तो मैं अपना प्रेजेंट ख़राब नहीं करना चाहता, मैं फ्लो के साथ जाना चाहता हूँ। और जो चीज़ें मुझे लगी मुझे उस घर के अंदर करनी चाहिए थी, गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना, ये मेरा स्टाइल है। और अगर किसी के साथ गलत होगा और कोई भी चीज़ गलत होगी मेरे सामने, मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा और बोलूंगा, वो मैंने शो में किया है और करता रहा। घर में विलियम को लाडला का टैग मिला था, उससे आप कितने सहमत थे? क्या आपको लगा कहीं से वो डिसएडवांटेज कर रहे हैं वहां पे, मतलब शो में? ऑल्सो बदतमीजी का भी टैग उनके ऊपर लगाया जा रहा है, तो आप कितने एग्री? मेरा ये मानना है कि ये शो की स्ट्रेटजी थी, क्योंकि हर बार हर बिग बॉस में ये बोला गया है, जैसे जितना कि मैंने सुना है कि बिग बॉस बायस्ड हैं, बिग बॉस बायस्ड हैं, बिग बॉस बायस्ड हैं, चैनल का फीस है, चैनल का फीस है, चैनल का फीस है, इसी को जिताने वाले हैं, वैसा कुछ होता नहीं है। तो ये आई थिंक ये गेम प्लान था, एक पैंतरा फेंका गया था कि लाडले वाला, जो कि लाडला टैग विवियन को दिया गया था, जो कि और कंटेस्टेंट्स के लिए था कि हाँ चलो इस बार हमने लाडला बना दिया, ये हमारा फेवरेट है, अब इससे जीत के बताओ, लड़ के बताओ। बाकी काफी सारे लोग थे जो बोल ही नहीं पाते, आपने देखा होगा शो देखा होगा कि आप बहुत सारे लोग हैं जो डर के बैठ गए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन ये शो की स्ट्रेटजी भी तो हो सकती है ना। अब उस मेरी बात खत्म नहीं हुई तो लाडला अगर मिला है, लाडला टैग मिला है, तो विवियन को भी उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि भैया तुम्हें लाडला बोल दिया है, तुम लाडला बनो, डालडा मत बनो, कि अच्छे से रहो। अब उस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली घर में किसी को भी कुछ भी बोल दे रहे हो, किसी टोन में भी बोल दे रहे हो, वो चीजें गलत है, वो नहीं करनी चाहिए। वेल, आपकी जब लास्ट फाइट हुई थी विवेन के साथ ही, तब रजत ने कहा था कि अरे इसने तो जान पूछ के किया है, आपने उस पे क्या कहना है? आप घर के बाहर बाहर आके क्या व्यू पॉइंट बदला है फॉर विवेन या स्टिल सेम? जब रजत विवेन को बोल रहा था,
नहीं आपको कहा था। हाँ मतलब मेरे बारे में कह रहा था। हाँ वो मेरे बारे में कह रहा था, आपने देखा होगा मैं ऊपर से आ गया था जब, तो मैंने बोला था यार तो मेरी बात में मत बोला कर, तुम बोला था मेरी बात में, तो अपने आप काम से काम रखना। अभी विवेन के साथ मेरा मुद्दा है कि आप तमीज छोड़ रहे हैं। स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार से बात कर रहे थे, बहुत किसी को अपना खाना दे रहे हो, धार्मिक बातें कर रहे हो, उसके बाद बहुत तहजीब से बात कर रहे हो, किसी से पंगा हो रहा है बहुत शांति से जाके आप निपटा रहे हो, लेकिन धीरे 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 करते आप, आपकी टोन बदल गई, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, आपका बात करने का लहजा बदल गया, तमीज बदल गई, बदतमीजी आ गई। तो जो रियल फेस, जो स्टार्टिंग में चीजें, हम किसी से इंसान पहली बार मिलता है ना तो बहुत अच्छा प्रटेंड करता है, तभी लोग कहते हैं कि यार जब भी कोई आपको पहली दफा मिलता है ना तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, लेकिन बाद में समझ आता है कि वो इंसान कैसा है। तो आई थिंक वो जो बाद में उसका रूप आया वो उसका रियल। ओके रजत, और आपकी जो फाइट हमने देखी है यहाँ पर, आप दोनों ने एक दूसरे को धमकी भी दी, तो अब रजत के बाहर आने के बाद कौन किसको किसका कॉल जाएगा? अरे कोई धमकी वमकी नहीं थी यार, ठीक है गेम है वो। अगर आप बिग बॉस जानते हो, अगर आप सब लोग मुझसे ज्यादा सीनियर हो बिग बॉस को देखने के मामले में, 18 सीजन देखे हैं आपने, ठीक है तो मेरे से बहुत सीनियर हो अगर आपने ये सब देखा है। तो ये गेम प्लान होते हैं, आपने किसी इंसान का पोक पॉइंट पकड़ा है, उसको पोक कर रहे हो, आपका वो पोक करने का स्टाइल है, और अगर वो उस पर पोक हो रहा है तो आपकी गेम कामयाब है। तो वो जैसे मुझे गालियां दे रहा था अंदर, मैं गाली नहीं दे रहा था, मैं उसको इतना ही बोल रहा था कि यार तू ही होगा, अगर तू मुझे बोल रहा है तू ये होगा, और उसके बाद उसने मुझे धमकी दी कि बाहर बाहर चल, तेरे को मैं देखता हूँ। तो फिर उसके बाद जब उसने मुझे दो चार लाइन और बोली तो मैंने वापस आके वो फेंका, क्योंकि मेरे को पता था मैं पोक करूंगा ये अभी कूदेगा मेरे पे, क्योंकि शुरू से लेके अब तक जो उसने स्टोरीज अपने बारे में समझाई थी बताई थी, उसका बॉडी लैंग्वेज जो मैंने देखा था, जो ऑब्जर्व किया था, मेरे को पता था ये करेगा ही करेगा, और मैंने वो बोला और उसने अटैक किया, और आपको बहुत सॉलिड एक असली गंदी लड़ाई जो बिग बॉस घर में देखने को मिली, इकलौती वही थी। बिग बॉस के घर में सबसे अच्छी मेमोरीज आपने क्या बनाई अभी तक? आलू के पराठे बनाए हैं। ऑल्सो आज शहजादा, जिस तरह से आप घर में गए थे, ऐसा कहना सबका कि आप इमेज क्लियर करने गए थे आपका, एंड बाहर आने के बाद क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो इमेज आपकी बनाई गई थी कि आपको शो से निकाला गया, आप बदतमीज हैं, आप चीजें प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते सेट के, क्या बाहर अब लोगों का वो जो माइंड सेट था वो चेंज हुआ है या फिर अभी भी वैसा, या आपको प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं? पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूंगा कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें चूज कर रहा था, बहुत मीटिंग्स चल रही थी मेरी, सब था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइनअप भी हैं मेरी जो आगे पुश की हैं मैंने सिर्फ इस शो की वजह से कि उसका आगे उसका शूट होगा। तो और दूसरी बात यह है कि अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने बिग बॉस किया है कि मेरे पास काम नहीं था, मैंने बिग बॉस किया कि मुझे मेरी इमेज क्लियर करनी थी, मुझे कुछ बताना था, बट इनमें से कोई भी चीज़ मेरा मोटिव नहीं था बिग बॉस में जाने का। बिग बॉस में जाने का इकलौता मोटिव ये था कि पहले तो मुझे कलर्स के साथ काम करना है, वायाकॉम एंड मॉल बहुत ही बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, एंड मैंने काम किया है, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने उनके साथ काम किया। और उसके बाद कोई मेरी इमेज मुझे क्लियर करने का कोई वो नहीं था, क्योंकि मेरी इमेज मेरे लिए कभी ख़राब ही नहीं हुई है। अगर कोई इंसान आपके बारे में उसका क्या सोचता है, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उसका दिमाग कहता है आपके लिए, अगर वो कुछ स्टेटमेंट देता है तो वो उसकी चॉइस है। मैं कैसा हूँ मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है, मेरा अंदर जानता है। और ये शो करने का मेरा मेन मोटिव था कि व्यूअरशिप इतनी है कि जो इंसान कुछ नहीं देखता वो बिग बॉस देखता है, और ये रियलिटी शो है तो रियल जो मेरा फेस है, जो मैं रियल हूँ वो सबको नजर आएगा, और मैं रियल ही रहा हूँ और सबने देखा है कि मैं कैसा हूँ। अगर आपको लगता है कि ऐसा रहने से मेरी इमेज क्लियर हो गई है तो आई एम ग्लैड कि मेरी इमेज क्लियर हो गई, और अगर आपको लगता है कि इस वजह से मुझे और काम मिलेगा तो बहुत मजा आएगा, मुझे और काम मिलेगा, मैं खुश हूँ। आशा ज्यादा, ये भी रूमर्स थे कि प्रतीक्षा भी शो के अंदर जाने वाली थी बट वो नहीं गई क्योंकि आप शो में गए थे, सो इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, अगर उसको बुलाया जाता वो डेफिनेटली आती। कुछ रिग्रेट? नहीं, किसी चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं है, एक ही रिग्रेट है कि मेरे को बहुत जल्दी एविक्शन मिल गया। मैं रहना चाहता था और खेलना चाहता था बहुत सारे, और अभी तो सारे मुद्दे इकट्ठे हुए थे कि मुद्दों का इतना बड़ा बैग इकट्ठा हो गया था कि हाँ यार अभी ना, अभी आप पहला हफ्ता जाते हो, पहले हफ्ते कितने ही मुद्दे आपके बन जाएंगे, ठीक है वो अननेसेसरी लड़ाइयाँ होती हैं, मैं क्लियरली बोलता हूँ, ब्लंट बोलता हूँ, जो पहले हफ्ते लड़ाइयाँ होती हैं वो अननेसेसरी होती हैं, अगर स्ट्रांग मुद्दा होगा कोई लड़ाई होगी, तो असली लड़ाइयाँ जो शुरू होती है वो तीसरे हफ्ते से कहीं ना कहीं। सजादा, अगर आप पार्टी दिया, मैं बोल रहा था ओके, क्योंकि अरे मैं बोल रहा हूँ, बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, कंटिन्यू करते, भूल गया, अभी बोलो।
ओके सर ज्यादा अगर कहीं ना कहीं जैसे शुरुआत पहले एपिसोड में आपका विवेन से फाइट हुआ था एक सक्सेस को लेकर यू नो जब विवेन ने कहा था कि नॉर्मल कन्वर्सेशन बोल सकते हैं बट एज अ फाइट जोन हो सकता था अगर आप उस बातों को लेकर चलते जिस तरीके से विमेन ने बोला कि न्यू जो कमर्शियल लोग आते हैं एक्टर आते हैं उन्हें सक्सेस ज्यादा वो हैंडल नहीं कर पाते हैं अगर आप वो कंटिन्यू लेके चलते तो शायद आप शो में बने रहते जैसे कि अविनाश बना हुआ है। एक सेकेंड ना एडिंग टू दिस विवेन ने नायरा से ये बात भी कही थी कि शहजादा अगर ऐसे ही चलते रहा तो उसका पोकिंग नेचर है तो उसको आगे ना करियर में बहुत भारी पड़ेगा। मतलब, मैं, मतलब मेरा पोकिंग नेचर है मैं पोक करता हूँ किसी की स्टेटमेंट की वजह से मेरी इमेज क्रिएट नहीं होती। मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान मेरे लिए कुछ भी बोल रहे मैं जो हूँ वो हूँ वो लोगों को दिख जाएगा और वो नजर आया है। मेरा कोई पोकिंग नेचर नहीं है। पोकिंग नेचर आपको तब लगना शुरू होता है कि अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हैं मैं आपको उस गलती के लिए बोल देता हूँ कि आपने ये किया है और आपको वो पोक लगता है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम तो है ही नहीं है ना। आप सब जो चीज बोलो वो जस्टिफाइड कि हाँ यार मैं मेरा तो पॉइंट है भाई मैंने ये क्या सही बोला। ये पोक करता है क्या पोक करता है। आप बदतमीजी से बात मत करो तो आपको किसी का पोकिंग नेचर लगेगा ही नहीं। और मेरे करियर में कोई चीज प्रॉब्लम नहीं करती क्योंकि मैं पास्ट में रहता नहीं बैगेज लेके चलता नहीं। शो में जाने के बाद मेरी गलती जो आपको लगा आपने मिस कर दिया हाँ। तो आप फाइल कार्ड एंटर हो जाओगे तो अच्छा वाइल्ड कार्ड आपको एंटर सोच रहा हूँ। हाँ बाबा सारे मैं चलो अब बोल तो अगर मैं वाइल्ड कार्ड अंदर जाता हूँ गलती तो नहीं कोई की मैंने गलती की है मुझे नहीं लगता मैंने गलती की है। कुछ एक वर्ड था आप सब ने बोला कि मैंने शिल्पा जी के लिए कुछ बोल दिया बट मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं है यार मेरा वो व्यक्तित्व नहीं है कि मैं किसी बड़े को ऐसे बोलूं। अगर मेरे से गलती से निकली है तो मेरी गलती है मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और अगर आपने देखा भी होगा कि पास्ट में भी जो भी मेरे इंटरव्यूज में जो चीज़ें मेरे बारे में बोली जाती थी मैंने एक्स वाई जेड इंसान के लिए कभी मैंने बैड वर्ड यूज़ नहीं किया तो मैं एक ऐसे इंसान के लिए मैं कैसे वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। मेरे को मेरा बैरियर पता है मुझे मेरी अपब्रिंगिंग पता है मुझे पता है तहजीब में कैसे रहना है सब पता है। हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरी रहती है कि मुझे क्या बोलना है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आप हर्ट होते हो हर्ट होके चीजें निकल जाती हैं मुझे आप बोलना नहीं चाहते। ऑल्सो दो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री हुई है कशिश और दिग्विजय क्या लगता है आपको घर के अंदर जो कंटेस्टेंट्स है उनका गेम का पाशा पलटेगा। ये तो उन दोनों पे डिपेंड करता है भाई वो कैसे इंसान है कैसे नहीं है मैं जानता नहीं हूँ मैंने कभी देखा नहीं है उनको क्या उन्होंने किया। ऑब्वियसली अगर वो जैसे मैंने उनका स्टेज का देखा है कि वो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे अगर अंदर जाके भी कुछ ऐसा होगा तो फिर ऑब्वियसली कुछ हो सकता है मुश्किलें हो सकती है। टॉप टू में इसे सपोर्ट करना चाहेंगे टॉप टू में कोई भी डिजर्विंग नहीं है और जो टॉप टू दिए गए हैं बिग बॉस की तरफ से विवियाना और एलिस आपको लगता है कि वो टॉप टू के लिए बने हुए हैं। अरे तुम्हें यही तो पता नहीं वो भी गेम ही है बिग बॉस की कोई टॉप टू नहीं है बेटा कोई टॉप टू नहीं है अभी टॉप टू कोई भी नहीं है। ये चार हफ्तों में तुम क्या जज कर लोगे यार 26 एपिसोड में तुम किसी को क्या कर लोगे अभी 105 एपिसोड है ना 105 लेकिन विवियन और एलिस आपको टॉप टू में दिखते हैं। मतलब अगर मैं बोल दूं अगर बिग बॉस बोल दे कि मैं जीत गया पहले ही बोल देंगे चले नहीं हो सकता ना तो गेम प्लान होता है कहीं ना कहीं कंफर्म है कि विवियन टॉप टू के लिस्ट में बने हुए हैं। मुझे नहीं कंफर्म है कि वो टॉप टू में है क्योंकि ये बिग बॉस है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे बिग बॉस हाउस को कोई लीड कर सकता है कोई कंटेस्टेंट लीड कर सकता है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। लीड तो बिग बॉस ही करते हैं कब वो चीजें फ्लिप कर देते हैं आपकी आंखें बाहर आ जाती हैं कि ये क्या कर दिया बिग बॉस। जैसे अभी रजत के साथ हुआ जब राशन बाहर कर दिया उसका स्माइल करा तो मुंह ऐसे हो गया क्या हो गया यार मेरे साथ। बट आपके हाथ अगर ट्रॉफी नहीं लगी तो किसके हाथ में देखना चाहोगे आप इसे आप सपोर्ट कर रहे हो किसी को मत दो यहाँ तो मुझे नहीं मिली किसी को मत दो किसी को नहीं लेने दूंगा मैं। कोई ना एक होगा जिसके लिए आपको होगी दिल में से हाँ कि ये जीते शो श्रुतिका के बारे में क्या कहना चाहिए। अरे रुको यार बोलने दो उसको भी तुम लोग ही सब लोग बोलोगे क्या बोलने दो विनर के रूप में किसे देख रहे हो शहजादा बोलो बोलो रजत दलाल जैसे शुरू शुरू में आया था ना अगर वो वैसा रहेगा तो मैं उसको देखना चाहूंगा अगर जैसे अब है वो मैं नहीं देखना चाहूंगा। हाँ क्योंकि वो अनफिल्टर्ड
फेस पे सबके मुंह पे, किसी को जाके मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है भाई, मैंने तेरे को बोल दिया बस बात खत्म हो गई। ये नहीं अभी क्या करने लगा हुआ, तेरे को बोला उधर बोला उधर बोला उधर बोला उधर बोला, ठीक है। फिर उसके मेरे झगड़े के बाद उसके बॉडी लैंग्वेज में बहुत ही पोलाइटनेस आ गई है उसके बाद। तो अगर वो जो पहले था वैसा रहे तो मैं चाहूंगा कि अनफिल्टर्ड इंसान उसके साथ नहीं जा रही है। ये लास्ट आंसर, यस। किसके साथ? रजत और चांद की जोड़ी, भैया और भाभी का भी टैग दिया जा रहा है। अच्छा, भी का भी दिया जा रहा है कि मियां बीवी वाली बहुत अनफॉर्चुनेट है यार, नहीं हो सकता। रात हैशटैग भी बन चुका है। अच्छा जी, बहुत गलत बात है, मत करो यार। अंदर रहकर कभी ऐसा फील हुआ आपको कि यहाँ दोनों बन सकते हैं फ्यूचर? किस वे का कनेक्शन है वो? लव एंगल? यस, लव एंगल। क्या बात कर रहे हो यार, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं होगा ये, कभी भी नहीं। ओके, लास्टली सजादा, आपकी अपकमिंग बहुत शो आने वाले हैं, जैसे कि आपने कहा, तो कोई शो का नाम बताना चाहें आप, कौन सा है? मैंने तो बोला ही नहीं अपकमिंग शो, आपने बताया बहुत रिलेशन में पड़े हैं। हां, मतलब मैं लाइनअप पूछी थी, वो छोड़ के गया था, मेरा एक प्रोजेक्ट था जो उसकी, मैं बताता हूँ वो डेट थी वहाँ की। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को ये शो करना है, तो थोड़े दिन बाद उन्होंने बोला नहीं हमारी जो डेट है वो पुश हो रही है आगे, तो यू कैन डू इट। तो मैंने कहा मेरे पास 3 महीने हैं, कहते हैं हाँ कर लो, तो मैंने वो किया। ना वो बाहर निकलते फोन भी आया। इसका मतलब आप कलर्स के साथ वापस आ रहे हो? कलर्स के साथ आप आ रहे हो? पता चल गया तुम्हें? थैंक यू सो मच। कलर्स के साथ जुड़ना है मुझे, जुड़ी गया मैं तो यार। हाँ, अभी मैं कलर्स का फेस हुआ, अगर मुझे शो में डाल के वो कहीं करेंगे ना तो फिर देख लेना। नेक्स्ट कलर्स के लाडले बन के आओगे।